मेन लाइट तो जली जली, इसके पीछे भी एक कंसोल है जहाँ पे कि आपको पता चल जाता है कि लाइट कितनी जल रही है। स्टूडियो लाइट, एक वीडियो लाइट बोल सकते हो उसको, कैमरा लाइट बोल सकते हो, रिकॉर्डिंग लाइट बोल सकते हो, व्लॉगिंग लाइट बोल सकते हो, और बस बन गया आपका व्लॉगिंग सेटअप। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप इस वक्त देख रहे हैं किंग इंडियन चैनल। देखो मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई ये बताने के लिए कि जो आप कैमरा सेटअप जो यूज़ करते हो अपने वीडियोस में वो कौन सा करते हो, और वो कौन सा इतना छोटा सा कैमरा है जो कि इतना सा है और हाथ में आ जाता है, कौन सी फ्लैश लाइट्स होती हैं, कौन सी अगर हम रात को शूट करें तो हमें कौन सी स्टूडियो लाइट या कैमरा लाइट यूज़ करनी चाहिए। तो उसके लिए आज मैं कुछ प्रोडक्ट लेके आया हूँ, पूरा वीडियो देखना बहुत मज़ा आएगा। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, जैसे मैं अभी बताया कि ऐसी वाली लाइट्स लोग यूज़ करते हैं और बड़ा वाला कैमरा यूज़ करते हैं, तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मैं कैमरा यूज़ करता हूँ ये वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट 3-एक्सिस गिम्बल फुल फ्लैश्ड कैमरा, बट इसमें एक कमी है, वो मैं बताऊंगा बाद में कि वो क्या कमी है। पहले मैं बता देता हूँ कि ये काम कैसे करता है, बस इसको ऐसे करके ऑन करो और ये DJI का कैमरा है, बहुत ही स्मार्ट। इसमें गिम्बल है जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो इसमें ये गिम्बल काम करेगा। ये गिम्बल है जो आप इस वक्त देख रहे हो ना ऊपर, ये 3-एक्सिस गिम्बल है, तो आप अगर भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कुछ भी आप अगर कर रहे हो तो ये आपकी फ़ोटो को, आपकी वीडियो को स्टेबल रखता है, हिलाता नहीं है। व्लॉगिंग का सबसे बड़ा उसूल क्या है, आपके पास होनी चाहिए लाइट, एक अच्छी लाइट होनी चाहिए। अभी जो आप देख रहे हो ये वीडियो, ये विदाउट लाइट मैं कैप्चर कर रहा हूँ। अब मैं अगर ये लाइट चलाता हूँ तो ये कुछ इस टाइप का आपको वीडियो की क्लैरिटी थोड़ी सी इन्हेंस्ड दिखेगी। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो अभी आपको ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जब आपके पास कैमरा ही इतना सा हो तो आप इतनी बड़ी लाइट लेके तो नहीं चलोगे, ऑब्वियस है। तो उसी के लिए मैं एक नया प्रोडक्ट लाया हूँ। ओके, तो वो प्रोडक्ट है ये विजिम करके कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी है नो डाउट, बट मैं क्या करूँ, मेरे को ये प्रोडक्ट दिखाना पड़ रहा है क्योंकि मैंने इंडिया में बहुत फाइंड किया कि मेक इन इंडिया कोई प्रोडक्ट मिल जाए, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट नहीं था, जो थे वो बहुत ही यूज़लेस और बहुत ही लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स थे। जैसे ही बॉक्स खोलते हैं तो सबसे पहले हमें टाइप सी एक डेटा केबल मिल जाती है इसमें, जो उसको सिर्फ चार्ज करेगी और इसका कोई काम नहीं है। ये टाइप सी है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी चार्जिंग थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। उसके बाद हमें ये यूज़र मैनुअल मिलती है इसकी, तो इसमें कुछ खास पढ़ने वाला है नहीं। फिर देखते हैं आगे, तो आगे एक बहुत ही अच्छा मतलब सॉफ्ट टाइप्स ऐसा करके ये केस है इसके लिए कि आप इसको रख सकते हो, इसमें कहीं गंदा नहीं होगा, स्क्रैचेस नहीं लगेंगे। अब आता है मेन प्रोडक्ट की, मेन प्रोडक्ट क्या है, तो मेन प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। ये है एक बहुत ही स्मॉलेस्ट, बहुत ही प्यारी एक स्टूडियो लाइट, एक वीडियो लाइट बोल सकते हो उसको, कैमरा लाइट बोल सकते हो, रिकॉर्डिंग लाइट बोल सकते हो, व्लॉगिंग लाइट बोल सकते हो। तो ये लाइट कुछ इस टाइप की दिखती है, इसमें 87 LEDs हैं जो कि आधी इसमें से येलो जलेंगी और आधी जलेंगी वाइट। ये देखो इसके आगे ये एक कवर है, मैं इसको अगर हटाऊँ तो निकलता है हमारा डिफ्यूज़र, ये इसको डिफ्यूज़र बोलते हैं कि शार्प लाइट एकदम से ना पड़े। फिट एंड फिनिश अगर आप सही से देख पा रहे हो तो बहुत ही औसम, एल्युमिनियम बॉडी है, बहुत ही चिकना स्मूथ बिल्ड क्वालिटी, मेरे को जैसे CNC वाली जो मैं बिल्ड क्वालिटी बताता हूँ हमेशा की CNC मेड बहुत ही अच्छी लगती है, तो ये भी वैसी सी ही CNC क्वालिटी है, काफ़ी इम्प्रेसिव है, काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। मान लो मैं अगर इतना छोटा कैमरा यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इतनी बड़ी वाली लाइट तो यूज़ नहीं करूँगा ऑब्वियस है, तो मैंने उसके लिए ये वाली लाइट मंगाई। ये छोटी सी लाइट है, आप कहीं व्लॉगिंग कर रहे हो आप इसको कहीं भी रख सकते हो, कैसे भी रख सकते हो, आप इसको पॉकेट में रख सकते हो, क्योंकि ये जो मेरे पास कैमरा है इसका नाम है ऑस्मो पॉकेट, और ये भी लाइट है पॉकेट साइज़, तो मतलब इन दोनों की जोड़ी जो है वो बहुत अच्छे से बनती है। ओके, इसमें जो दूसरा बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा वो है डुअल स्क्रीन, जो कि बहुत महंगी वाली लाइट्स में आती है, और कंपनी ने इतने छोटे से पैकेज में भी आपको इतना बड़ा धमाका दे दिया है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के। अब मैं इसको करता हूँ पावर ऑन, तो देखना मेन लाइट तो जली जली, इसके पीछे भी एक कंसोल है जहाँ पे कि आपको पता चल जाता है कि लाइट कितनी जल रही है, कितनी पावर पे है, कितने परसेंटेज पे है, और कितना केल्विन का वो आपको लाइट प्रोड्यूस करेगी। इसके अंदर है परसेंटेज, उसको बढ़ाओगे, जैसे मैं अब परसेंटेज बढ़ाऊँ तो देखो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कितनी तेज़ बढ़ जाएगी। अगर आप देख पा रहे हो मैं ये परसेंटेज बढ़ा रहा हूँ तो लाइट की इंटेंसिटी देखो कितनी तेज़ बढ़ गई है। अब ये है 100% पे और ये लाइट है इतनी तेज़ कि अगर मैं इसको अपनी मेन लाइट बंद करके आपको दिखाऊँ तो कुछ ये इस टाइप का आपको वीडियो बना सकती है अंधेरे में भी,
इस टाइप का आपको रोशनी मिल सकती है। तो मतलब जब आप व्लॉगिंग कर रहे हो इतने छोटे से कैमरे से, तो आपको बड़ी लाइट कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप छोटी लाइट कैरी कर सकते हो और कैमरा आगे रख सकते हो और अच्छे से व्लॉगिंग कर सकते हो। देखो, एक है आपकी परसेंटेज, जैसा कि मैंने बताया कि इसको कम करोगे तो लाइट कम हो जाएगी, ज़्यादा करोगे तो लाइट ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा है केल्विन। अब केल्विन पे स्विच करने के लिए हमें इस बटन को एक बार प्रेस करना है। ये केल्विन पे आ गया है। अब मैं इसके केल्विन कम करूँगा तो सामने वॉल पे देखना लाइट जो है येलो हो गई है। जैसे मैंने 3500 केल्विन पे किया तो लाइट येलोइश हो गई है। बॉडी का कलर कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा, आपके फेस का कलर। और जब मैं इसके केल्विन बढ़ाता हूँ तो लाइट वाइट 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 होती जाती है और आपको मून लाइट वाला इफेक्ट मिलेगा। इसके साथ मैंने एक दूसरी चीज़ मंगाई है। बाई चांस मैं इसको बड़े कैमरे पे यूज़ करना चाहूँ तो मैं इसको माउंट कैसे करूँगा? तो वो माउंट करने का जो टूल है वो है ये भी विजन की ही तरफ से है। कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा, फुल एल्युमिनियम, सीएनसी मेड, आउटस्टैंडिंग क्वालिटी, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट है। अगर मैं जूम करके एक बार दिखाऊँ इसको तो काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट है ये। इसमें क्या है कि आपकी ये जो लाइट है ये दो साइड से लग सकती है, एक इस साइड से भी और एक इस साइड से भी, क्योंकि इसमें दोनों जो हैं ये स्क्रू दिए हुए हैं, एक इस तरफ भी और एक इस तरफ भी। तो आप इसको क्या करो, आप इसको ऐसे करके अपने लाइट के साथ कनेक्ट कर लो। तो ये जो क्लैंप है ये काम आता है आपके कैमरे के कोल्ड शू में या हॉट शू में, आप कोई से भी शू में इसको लगा सकते हो। हर एक कैमरे के टॉप में एक ऐसा सा शू दिया होता है, उसमें जाके आप इसको ऐसे करके माउंट करो और यहाँ से इसको कर लो टाइट और बस बन गया आपका व्लॉगिंग सेटअप। तो मान लो अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो, कुछ शूट कर रहे हो अपने फ़ोन से, जैसे कि अभी मैं भी अपने फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ जो कि है OnePlus 5, मेरे एनवायरनमेंट में लाइट नहीं है तो कुछ इस टाइप का दिखेगा अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप इस वक्त देख रहे हैं किंग इंडियन चैनल। तो कितना डल डल दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इस लाइट को यूज़ करूँगा तो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप इस वक्त देख रहे हैं किंग इंडियन चैनल। है ना, फ़र्क आ गया ना। अब जैसे इसको मुझे हाथ में नहीं पकड़ना तो मैं इसको कहीं रख दूंगा, अगर मैं कहीं पर व्लॉग कर रहा हूँ ऐसे कैमरा पकड़ के तो मैं रख दूंगा उसको, तो मेरे फेस पर तो लाइट आई नहीं है ना। तो मैंने आज अपना पूरा रिकॉर्डिंग का सेटअप बहुत ही अच्छे से बताया। देखो ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें। ज़रूरी नहीं है कि हम लाखों रुपए के कैमरे लें या फिर हम कहीं पे किराए पे या रेंट पे कैमराज लें अपनी व्लॉगिंग के लिए। हाँ, जब आप किसी लेवल पे पहुंच जाते हो, आपका चैनल ग्रो करने लग जाता है, आप बड़े बनने लग जाते हो, तब आप खरीद सकते हो क्योंकि आपके पास पैसा होता है। लेकिन स्टार्टिंग में जो कि अभी नए नए जो यूट्यूबर बन रहे हैं वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उनके लिए होती हैं ऐसी वाली छोटी छोटी चीज़ें जिससे कि आप अपना वीडियो इंटरेस्टिंग बना सकते हो, जिससे कि आप अच्छे से व्लॉगिंग कर सकते हो कहीं भी और कैसे भी। ये जो लाइट है बहुत आउटस्टैंडिंग है, छोटा कॉम्पैक्ट, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। अगर किसी को चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। तो चलो, यही था मेरा आज का वीडियो। जो भी लोग व्लॉगर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी लोग व्लॉगिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जो लोग अपना वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वो कैसे एक छोटी सी लाइट ले सकते हैं, अपनी पॉकेट में डाल सकते हैं, ऊपर वाली या नीचे वाली, और बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्पैक्ट और बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती टाइप की लाइट है, कैमरा लाइट। इसमें कोई बुराई नहीं है, एक बार ही जाके इसको देखना अच्छे से। तो चलो, बाय बाय, अच्छे अच्छे काम करो, खुशियों से रहो, और हाँ, किसी का दिल मत दुखाना। कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।